आज हम जा रहे हैं संजय वन, प्रदूषण से भरी हुई दिल्ली में, एक साफ हवा से भरा हुआ जंगल। अब हम आ चुके हैं संजय वन में और हमने एंट्री ली थी गेट नंबर 3 से, जो कि एक हॉस्पिटल के पास है। और ये देखिए आप, यहाँ पे आसपास कितनी शांति है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर उन्होंने दिखाया है कि कौन से सांप हैं जो दिल्ली में पाए जाते हैं, बहुत ही कॉमन है। करैत, इंडियन कोबरा, ग्रीन स्नेक और इस तरह के कई सारे सांप हैं जो कि इन जंगलों में हो सकते हैं। और यहाँ पे हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर से पानी की आवाज़ आ रही थी। अब हम जा रहे हैं संजय वन के अंदर की तरफ। अब हम एक टी पॉइंट पर पहुंच गए हैं और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है मेरे लिए। यहाँ पे बहुत बड़े पत्थर और चट्टानों के टुकड़े हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। चट्टान वाली जगह से बाई और बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कई सारे मोड़ दिख रहे हैं और एक साइन बोर्ड है जो कहता है वेलकम टू मेहरौली मेडिसिनल फॉरेस्ट। यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पौधा लगा हुआ है जिसका नाम मुझे नहीं पता, मेरे साथी ने बताया कि इसको कहते हैं जावे। अब हम वापस जा रहे हैं उस चट्टान वाली जगह पर और वहाँ से हम शायद किला लाल कोट पर जा पाएँ। अब हम फिर से टी पॉइंट पर आ गए हैं, इस बार हम दूसरी तरफ का रास्ता लेंगे। ये वो ऊंची चट्टान वाली जगह है, हम इस रास्ते से आए थे और इस रास्ते पे उस अरावली वन वाले बोर्ड की तरफ गए थे और इसके ही अपोजिट एक दूसरा रास्ता है जिससे चलते हुए हम फोर्ट की वॉल पे जाएंगे। इसके बगल वाले रास्ते से हम जा रहे हैं कि लहरी उस बर्तन से कुछ खा रही है और कबूतर दाना चुग रहे हैं। रास्ता गेट नंबर 1 की तरफ जाता है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है एग्जिट नंबर 0 N1। पर यहाँ पे एक झरने जैसा है कुछ और उसकी आवाज़ आ रही है, बहुत शानदार है। यहाँ पे मैं ड्रैगन फ्लाई भी देख रहा हूँ। पास के पेड़ हैं, घूमते घूमते हम गलत रास्ते पे आ गए पर हम वापस जा रहे हैं फिर से उसी रास्ते पे।
यहाँ पर हम आए हैं वो रास्ता फॉलो करते हुए जो कि उस चट्टान वाले पार्क से आया हुआ था, और उस पार्क पे आप गेट नंबर 3 या गेट नंबर 1 से भी पहुंच सकते हैं। और ये रास्ता वहीं से था, और हम यहाँ से जा रहे हैं किले की दीवार पे। उसको ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और यहाँ पर मुझे एक जगह मच्छर ने भी काट लिया। तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा कर ही आएँ। ये देखिए, यहाँ पर किले की दीवार मुझे पीछे दिख रही है, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद दिखी। और इसके बगल से ये रास्ता गया है, हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। शायद हम किले पर, किले की पुरानी दीवार पर चढ़ पाएँ। हम वापस उस किले की दीवार के पास वाली जगह पे आ गए, क्योंकि हमें कहीं से रास्ता नहीं मिला इस पे चढ़ने के लिए। और हम फिर से अब वापस जा रहे हैं गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए, और आगे देखते हैं कि हम चढ़ पाते हैं कि नहीं। वापस लौटते हुए हम इस पॉइंट पर आए हुए हैं, और ये जो रास्ता दाएं तरफ से जाता है, शायद ये किले की दीवार की तरफ जाता है। अब हम इस रास्ते पर जा रहे हैं। गूगल मैप से ये रास्ता दिखा रहा है जो कि यहाँ से सीधे पहाड़ी दिखती है, और यहाँ से कोई चढ़ने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। पर हम जा रहे हैं और देखते हैं कि चढ़ पाते हैं कि नहीं। अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं, और लगता है रास्ता पहाड़ी पर चढ़ने का यहीं से जाता है, पहाड़ी और पुरानी किले की दीवार, लाल कोट किला शायद यही है। अब हम पहुंच गए हैं किले की दीवार के पास। यहाँ से वो दूर शहर की बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। ये एक ऊंचाई पे पॉइंट है, हम उस पर चढ़ रहे हैं। से व्यू है, ऐसा दिख रहा है। आज यहाँ आने का मेरा मकसद था कि हम कुतुब मीनार को पहाड़ की चोटी से देख सकें। तो अब हम जा रहे हैं दीवार के दूसरे हिस्से पर चढ़ने के लिए, और ये उसका रास्ता है। तो कुतुब व्यू पॉइंट हमें यहाँ भी नहीं मिला। अब हम उसको ढूंढते हुए आगे इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, जो रास्ता हमें गूगल ने दिखाया है। तो देखते हैं। अब लगता है मुझे कि मैं कुतुब व्यू पॉइंट के पास पहुँच गया हूँ, और ये यहीं कहीं आसपास है। आगे बढ़ रहा हूँ, और ये यहाँ से वो सारा शहर दिख रहा है, और कुतुब व्यू पॉइंट इस तरफ है। वो देखिए, वो वहाँ पर दूर जो मिनारेट दिख रही है वो कुतुब मीनार है। ये यहाँ से कुतुब मीनार दिख है, और यहाँ से सारा शहर भी बहुत छोटा सा दिखता है। अब हम कुतुब व्यू पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ से भरा हुआ है। हम पहाड़ी और किले की दीवार से नीचे उतर आए हैं, और ये तुम्हारे पीछे वॉल है। यहाँ पे साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें डिस्क्रिप्शन है।
रिसाइन कहता है कि दीवाल जो है सबसे पहले तोमर डायनेस्टी के अनंगपाल ने बनवाई थी करीब एडी 721, और उसके बाद जो अनंगपाल द्वितीय यानी कि अनंगपाल सेकंड थे उन्होंने इस किले की दीवार को बड़ा करा यानी इसको और फैलाया। और इसके बाद 12th सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान ने इसको और बड़ा किया और जिसके बाद इस फोर्ट का नाम हो गया किला राय पिथौरागढ़। साइन बोर्ड के पीछे हर्बल मेडिसिनल प्लांटेशन है जिसमें कई सारे पेड़ हैं जैसे अशोक, गुग्गल, शहजन यानी मोरिंगा, बेल, आंवला यानी गूजबेरी और गिलोय। हम अंदर जाएंगे, मेडिसिनल पार्क के अंदर है। मेरे पीछे ये सहजन का पेड़ है यानी मोरिंगा, और यहाँ पे कई सारे आंवले के भी पेड़ हैं। ये है आंवला यानी इंडियन गूजबेरी, इसके बगल में जामुन, आंवला, जामुन, इसके बाद शायद बहेड़ और वो किस चीज़ का पेड़ है मुझे नहीं पता, पता करते हैं। हम मेडिसिनल पार्क से बाहर आ चुके हैं और अब हम संजय वन से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब हम फिर से एक टी पॉइंट पर आ गए हैं और इस टी पॉइंट पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि लाल कोट वॉल इस तरफ है और गूगल फॉर्म, गूगल एक पेड़ का नाम है, और इस बोर्ड पे गेट नंबर 5 इस तरफ है, गेट नंबर 3 शायद पीछे की तरफ है बीच वाला रास्ता, और दाईं तरफ वाला रास्ता लाल कोट वॉल का है। हमने गेट नंबर 5 वाला रास्ता लिया और उस रास्ते में ये एक हर्बल गार्डन पड़ता है, इसका नाम आचार्य चरक है। आचार्य चरक शायद 600 एडी के आसपास उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम चरक संहिता है, जिसमें मेडिसिंस के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको किले की दीवार, किला लाल कोट या फिर कुतुब व्यू पॉइंट पर जाना है तो गेट नंबर 5 से एंट्री लें और उसके बाद गेट नंबर 1 वाला रास्ता फॉलो करें, उसके बाद आगे आपको एक बोर्ड लगा मिल जाएगा किला लाल कोट, और उससे काफ़ी आसान रास्ता है और जगह से जाने पर आप भटक सकते हैं। पर एक झील भी है और काफ़ी सारे बंदर भी हैं तो बंदरों से बच के रहना होगा। सामने से एक नील गाय जा रहा है। हम गेट नंबर 5 के पास आ गए हैं और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, और आज हमने किला लाल कोट देखा और वहाँ से कुतुब व्यू पॉइंट देखा और वहाँ से पूरी दिल्ली दिखाई देती है छोटी सी, और कुतुब मीनार भी दिखाई देता है। व्यू बहुत अच्छा नहीं आया क्योंकि धूप जो है उल्टे डायरेक्शन में थी, और हमने यहाँ पे एक छोटी सी झील भी देखी, और ये भी जाना कि सबसे आसान रास्ता व्यू पॉइंट तक जाने के लिए गेट नंबर 5 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।